सर एक सवाल सर, मूवी कैसा लगा सर? कैमरा पीछे ले सर। राजपाल भाई यार थैंक यू सर। हमें सर की मूवी गुड गुड विशेष दे दीजिए सर। अजय कुमार सर तेरा काज नीचे सर फुल लाइट में आई गए थे सुन लो आज सर ये पैर निकल पैर निकल करेंगे बोल रहे हैं फोटो करेंगे करेंगे लाइक तोड़ेगा अरे अरे सारे मिल रहे साइड में तो हटो यार पहले गाड़ी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप लोग जरा हट जाइए नहीं तो इधर अंदर आ जाइए अंदर आ लो हां अंदर चल नहीं हो रहा है ना जाएंगे अरे पीछे जाओ ना पीछे जाओ पीछे जाओ अरे आओ यार इतना पीछे बोल रहे हो हट जाने मोबाइल से अरे यार थोड़ा पीछे सर आमिर सर आमिर सर थोड़ा पीछे बस 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 सर बस आगे नहीं जाना आमिर सर इकड़े इकड़े ओ दादा डोंट पोज ओ दादा सर आमिर सर यहां पे ओ दादा समोर समोर सर समोर आमिर सर समोर 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 वेट सर वेट सर समोर समोर आमिर सर समोर मूवी इज हिट बड़े आप कौन पद्मा सर थोड़ा फॉग लगाया चश्मे को मैम के साथ मैडम के साथ ए सिंह थोड़ा पीछे ना सर लेफ्ट पे चल के लेफ्ट पे ना जो सर लाल सिंह चड्ढा तो इधर ही है सर यहां पे सर यहां पे सर लुक एट लेफ्ट व्हाट अबे सर यहां पे यहां पे सही हो सर यहां पर ही देखा सर चलो क्यों यो यो सर शेखर सर शेखर सर सुनो यहां पे सर आपके लेफ्ट पे सर सर यहाँ पे यहाँ पे सर यहाँ पे सर इधर 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 सर बस सही नहीं भाई बस आप जो सर रुक गया सर मैम के साथ मैम के साथ अरे भाई पीछे जाट ना भाई राइट से जाट राइट से जाट ओ भाई पीछे जाट जा अरे बोले आप जो अभी बाबू के पीछे से आप लोग सब पूरे सर पे देखे नहीं आप दोनों रुक जाओ सर पक्का पक्का अरे पीछे वाले को हटाया था तू ओ दादा हटो ना थैंक यू सर इधर आ ना भाई लेफ्ट एक सेकंड एक सेकंड इधर 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 आगे ये इसको बोल ना थैंक यू हां इधर आ जाओ तुमको को बोल रहा हूं पहले खड़े रहो इधर सर आप थोड़ा आगे आ जाओ थोड़ा यहां पे अर्जुन सर लेफ्ट चालू कीजिए सर आपके लेफ्ट सर लेफ्ट
सर वही वही दे वही बोल दे सर यहाँ पे सामने सामने सर राइट दिस लेफ्ट बहुत है सर थोड़ा फूटे आना बस 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 इकड़े इकड़े सर आपके लेफ्ट सर मैम यो लेफ्ट सर मैडम सर रुकिए ना यहाँ पे लेफ्ट सर राइट राइट सर राइट रुकिए लेफ्ट राकेश आंदो गाना कैसे बहुत मस्त है गाना आपका 1 मिलियन होने वाला है क्या कहना चाहोगे संजय सर आपके सामने सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर मेरे साथ सर कैसे सर कैसे हो सर पार्टी कैसे चल रही है सर कुछ कंट्रोल नहीं मनीष सर कुछ भी गुड विजन दे दीजिए सर अमित सर की पिक्चर सर 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 बायकॉट किया पिक्चर को अगर सरोज मैं को मिलने भोजन सर आपके लेफ्ट सर यहाँ पर आप सेंटर सर आनंद सर मेरी तरफ सर अभी एकदम सामने आनंद सर अभी राइट में यहाँ पे आनंद सर राइट में इधर सेंटर लेफ्ट में सर सेंटर पीछे अरे पीछे जितने खड़े थे बैठ जाओ बहुत देर हो गई सर तुम लोग सब हट जा भाई उधर थोड़ा निकाल दे गुरु भाई यहाँ पे अरे पीछे मत देखो मेरे सामने गुरु भाई लेफ्ट अरे मेरे लेफ्ट देखो गुरु भाई यहाँ पे मेरे पास हाँ जी मेरे लेफ्ट भाई यहाँ पे ऐसे आपके लेफ्ट ओ लगा दिया चल अच्छा वेट करना होगा और एक बार और एक बार चालू हो गया मूवी सर मूवी चालू हो गया सर रुका तो रुका रंदीप सर रंदीप सर रुके ना सर राइट है रुके लेफ्ट सर यहाँ पे सामने सर यहाँ पे सामने सर यहाँ पर नहीं देखा यहाँ पर थोड़ा पीछे का थोड़ा पीछे
कौन खींच रहे कौन खींच रहा है मेरा वहां पे मेरे हस्बैंड अरे आप पे खींच रहे पहले थैंक यू ना रुकिए फोटो लो यार सर सर हमारे गुरु को फोटो ले जल्दी ले जल्दी सर रुको रुको सर सर यहां पे सर लेफ्ट लेफ्ट सर यहां देखिए सर सर एकदम सामने देखिए सामने सर आपके राइट में भी सर जी सर आपके लेफ्ट में मेरी तरफ सर सेंटर सेंटर लाइट किस पर सर रुकिए वीडियो के अलावा मनीष सर रुकिए ना ये रही गाड़ी बाजू में सर कैसी लगी मूवी बहुत बढ़िया कैसे है सर आमिर सर का सर 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 एक मिनट मनीष सर कुछ रिव्यू देना पिक्चर के बारे में सर स्टोरी लाइन कैसी लगी बहुत अच्छी मूवी है बहुत बढ़िया काम है सर ए भाई अरे बाबा कैसे आउटस्टैंडिंग बाबा रुको ना बाबा स्टोरी स्टोरी कैसी थी स्टोरी कैसी थी बहुत बहुत अच्छी है ओके सर आमिर सर का काम कैसा लगा था मैं क्या बोल सकता हूँ सभी जानते हैं आउटस्टैंडिंग हिट है पिक्चर हिट है सब हंसेंगे सब साथ में रोएंगे हर चीज सारे इमोशंस है गुरु भाई अभी पिक्चर को लेकर बाइक और बोल रहे थे जो चल रहा था तो आप फैंस को क्या कहना चाहिए सबको देखनी चाहिए सबको बहुत अच्छी फिल्म है और मुझे लगता है कि एक अच्छी फिल्म सब जाके देखें और सब लोग एंजॉय करेंगे ओके थैंक यू थैंक यू बाबा सर पीछे आ जाओ ना सर मैं रुकिए ना एक फोटो लेके सर सर बहुत बढ़िया फिल्म बहुत बढ़िया करीना जी करीना जी लालकिन चड्ढा को आप जाने दो जाने दो बाय सर गुड नाइट कैसी लगी मूवी भाई आमिर सर का काम कैसा लगा अनबिलीवेबल आप देख लो भाई आप जल्दी देखो फैंस को क्या कहेंगे थैंक यू थैंक यू बता दो एक बार सर रुक रहे हैं ना रुक रहे हैं थोड़ा पीछे सर एक मिनट रुको सर एक मिनट रुको सर यहां पर सर सेंटर सर रुकिए सर आराम से पीछे आराम से करो अरे इतना आगे सर सर अमित सर हमारे घर में कहां हट जा रहे मीडिया वाले अमित सर आगे मत जाओ कोई आगे मत जाओ अमित सर हां फोटो चाहिए अमित सर एक फोटो चाहिए अरे रुक जाओ अमित सर रुको प्रॉपर प्रॉपर सर सर देखिए सर अमित भाई साहब आमिर सर बस हो गया ज्यादा
तो मेरे घर पे ही मारना है ड्रोन अरे कोई आगे नहीं आएगा आतिफ भाई पीछे सामान आएगा मार देना धक्का अरे बाप ना 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 जो करना है कोई दिक्कत नहीं बाबा अपना भाई हो सीरियस कोई टेंशन नहीं साहब तुम चिक चिक मत कर बजाऊंगा भी देखो काम करो बारो साहब कुछ जाएगा रहना वही बोल रहा हूँ गलत जगह नहीं है सर पीछे थोड़ा पीछे इनाउस कैमरा मकरन सर थोड़ा आगे आइए अपने 50 मार्क फोर मकरन सर आप थोड़ा आगे नहीं जाइए हो गया अमित सर थोड़ा आगे थैंक यू हाथ बस रहा है इधर क्या हो गया इधर बस नहीं रुको चले बाकी सर का एक मिनट रात करेंगे तो मिल जाएगा अमित सर मैंने बाहर ही सर मकान सर को भी बुला लेते सर
सर आपने देखा लाल सिंह चड्ढा कैसी लगी, क्या कहने चाहिए? बहुत खूबसूरत फिल्म, अगर एक शब्द में उसको कहा जाए तो बहुत खूबसूरत फिल्म, सुंदर फिल्म, एक जिंदगी से जुड़ी फिल्म है जो आपके दिल को, आपकी पूरी जिंदगी को झकझोर देती है। और मैंने तो ऐसी फिल्म पहले नहीं देखी इस तरह से बनाई हुई, इतनी खूबसूरती से बनाई गई है और इतनी खूबसूरत फिल्म, इसकी फोटोग्राफी, इसका म्यूज़िक, इसके परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर, सब कुछ आपके अंदर समा जाते हैं। मतलब एक फिल्म ख़त्म होती है आदमी घर चला जाता है, कभी कभार 5-10 मिनट बात करता है भूल जाता है फिल्म को। ये वो फिल्म है जो आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाली है, जैसे मुग़ल आज़म, जैसे मदर इंडिया, जैसे गंगा जमुना, जैसे आनंद, इस तरह की फिल्में जो बनी हैं जो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं, उस कस्म की ये फिल्म। और आमिर ने तो इतना बेहतरीन, करीना ने भी और सब लोगों ने, जितने इसमें एक्टर्स हैं कम हैं 4-5, बहुत खूबसूरत। तो हिंदुस्तान को नाज होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक फिल्म बनाई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परफॉर्मेंस, अगर कोई ऑस्कर हो तो वो आमिर को जानी चाहिए। हालांकि रीमेक है, रीमेक में ऑस्कर नहीं मिलते, लेकिन अगर हो मेरे पास हो तो मैं उनको दे दूँ, इस जितनी मेहनत उन्होंने की और जितनी लगन से उन्होंने ये फिल्म बनाई है। मतलब आप देखिए कि लगान में भी उन्होंने एक नया एक इतिहास रचा था, इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई थी कि वो बेंचमार्क बन गई थी एक तरह से, एक मील का पत्थर। उसी तरह से लाल सिंह चड्ढा जो है वो एक मील का पत्थर बनने वाला। मैं बॉक्स ऑफिस के परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस, एक ऑडियंस, एक दर्शक के नाते, एक अभिनेता होने के नाते, जो मैंने मेरा तजुर्बा रहा इस फिल्म को देखने के बाद, वो सालों, मैं तो ऐसा समझता हूँ क्योंकि मैं एक बहुत भावुक इंसान हूँ, कि पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ये फिल्म रहने वाली है और इसके किरदार रहने वाले हैं। और लाल सिंह चड्ढा जो है अपने आप में एक बहुत ही शालीन और एक बहुत ही पाक, प्योर कैरेक्टर, प्योर इंसान है। और ऐसा लगता है कि जब आप उसको देखते हैं कि काश आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही होती, ऐसी होनी चाहिए, आपको कुछ इस फिल्म से सीख लेके बाहर जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहिए। कुछ भी अगर उसके 5%, 2% अच्छाई भी आपके अंदर अगर आ गई, तो ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी जो है फिर उस लायक हुई जिसके लिए आप पैदा हुए। सर लिंग इन दिनों काफ़ी चर्चा में थी लाल सिंह चड्ढा, इन दिनों काफ़ी चर्चा में थी लाल सिंह चड्ढा, जो फैंस काफ़ी मना कर रहे थे बॉयकॉट, तो क्या कहना चाहिए? इसका कोई मायने नहीं निकलता, क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या ज़रूरत थी, क्यों बॉयकॉट किया जाए? जो आर्ट है, जो क्रिएटिविटी है, वो इन सब चीज़ों से परे है और उसका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। और फिर एक फिल्म बनाई है किसी ने, डायरेक्टर ने लिखी है, डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है, राइटर ने लिखी है, अलग अलग परफॉर्मर्स आके इसको फिल्म, कितने लोगों की जिंदगियां, रोज़गार इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं। उस फिल्म को बॉयकॉट करने का तो कोई मतलब नहीं, बिल्कुल भी मतलब नहीं, ज़रा भी मतलब नहीं। तो अगर आपने देखी फिल्म और आपको कुछ नागवार गुजरता है उसके बाद, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मैं फिर भी सोच सकता हूँ, पर इतनी खूबसूरत फिल्म, फिल्म देखने से पहले ही अगर आपने आवाज़ उठा दी तो वो तो गलत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मकरन सर।